है, इसमें कुछ दो तीन सवाल हैं जी। नंबर एक सवाल तो ये है कि कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया जब उसको गिरफ्तार कराया गया, डॉक्टर देवेंद्र बलारा को और कर्मू को जब गिरफ्तार कराया गया तो तुरंत उनका कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया, जिस बात का हुआ बना। अगर नहीं करवाया गया तो इसमें पूरा पुलिस प्रशासन किते न किते दोषी है। दूसरी बात यह है कि इलाका मैजिस्ट्रेट को इन्होंने हवाला भेजा कि नहीं भेजा है, ये सवाल के जवाब हम जो है ना जानना था। वहाँ मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया डॉक्टर देवेंद्र बलारा का और देसी पत्रकार कर्मों का मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया, उनको जो है ना उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया गया और जो है उनको सूचना क्यों नहीं दी गई, उनके मोबाइल फोन जब्त क्यों कर लिए गए। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पूरा देश जानना चाहता है, इनके जवाब ये क्यों कराया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल आगे बात क्यों तो हमले क्यों की लड़ाई हो आगरा, लेकिन लड़ाई में कमी भी नहीं छोड़ रहा कि जो दीपेश भाई कौन थे लाठी चार्ज होया, इस भाई का सबूत जो है लाठी लाग रही फिलहाल तो आराम होया है क्योंकि गर्म पट्टी वगैरह लगा के कोशिश करी थी क्योंकि जड्या टाइम है सारी तैयारी कर रखा, रवैया हमने मेरा है क्या क्या अपनाया जा सका है। जब एक पत्रकार का इस भाई का हॉस्पिटल में जाकर भाई एक बार पूरा वाक्य बताओ जो आपके साथ मार पिटाई जब जिस तरीके से पुलिस देवेंद्र भाई और कर्मू भाई को लेकर जान लग रही थी क्योंकि वहाँ अकेला वहाँ पत्रकार था, अकेला जो है उसको कवर कर रहा था, तो वहाँ जो इन्होंने रवैया अपना रखा था ऐसा कर रखा था जैसे किसी खूंखार आतंकवादी को जो है लेके जा रहे हो, यानी कि उनको दोनों को काख में ऐसे दबा रखा था कि भाई जो ना वो सांस भी लेना उनको मुश्किल हो रखा था, वो बार बार छूट कर मारने की तैयारी कर रहे थे जी, बिल्कुल छूट छूट के वो भाग रहे थे। आप वीडियो में भी बार बार देख सकते हैं उसमें अगर जिस तरीके से वो निकल निकल के भाग रहे थे, छुटवा के भाग रहे थे, वो कह रहे थे अगर हमें इस तरीके से क्यों दबाया जा रहा है। तो मैं जब उनको कवर कर रहा था तो जो है वो सामने खड़े हैं जनाब, एक बार दिखाओ भाई कैमरे में, तुमने मेरा कमीज है हटो कैमरे में, बिल्कुल जो है कौन सा है बताओ, ये जो हटेंगे तो सामने से जो है उन्होंने ये जो वापसी जो दो फोन ले रहे ये वापसी चल पड़े ना ना ये जो इधर है ये भाई बीच में जो बीच में है ये जो बीच में जो ही आगे चल पड़े ये मास्क लगा रहे इसने दो सरदार जी राइट साइड में सरदार जी राइट साइड में बिल्कुल जो है सारा सामने आ रहा है दो दो जो है मुक्के इसने धड़ाधड़ जो है क्योंकि मेरा जो ऐसे था फोन और ये वीडियो है अपने दौरे हाँ उसमें मारते हुए मैं पीछे गिरता हुआ दिखाई दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एक्शन कौन सा लगा किसी को पता है क्या भी एफआईआर की कॉपी में वीडियो में जो है एक बार शेयर जरूर कर दियो भाई, अब तक कोई कॉपी नहीं दी गई है कोई एफआईआर नंबर नहीं बिल्कुल। आप थाने में कितनी देर में जाओगे एफआईआर की कॉपी लेने खातर, पूरा हरियाणा पूछने लग रहा है सारे लाइव देख अगी पे लाइव में चला हमने कई बार मांग ली है हमने कई बार मांग ली है एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। दूसरी बात है इवलग जो है वर्बली जो है बताया गया है कि 353 लाई गई है और 188 लाई गई है लेकिन इब तक हमारे को कोई भी ऑथेंटिक जो जानकारी है इसकी 188 मतलब सरकारी काम में बाधा डालना उसमें नू तो बता दो सरकारी काम में बाधा कहाँ पे डाली फिर वो पत्रकार के काम में बाधा डाल दी प्रशासन ने फिर तो थरी वो भी अपना काम कर रहा था थरी है जो उसमें है भाई लगातार चिल्ला रहा था अग भाई जो है ये पत्रकारिता के ऊपर हमला है जिस तरीके से ये लोगों को दबोच के ले जाने लग रहे हैं और देवेंद्र बलारा भी वहाँ लगातार यही चिल्ला रहे थे कि भाई हमें जो है कोई खूंखार आतंकवादी या फिर ऐसा मुजरिम नहीं हो कि मैं पत्रकारों से या किसी से बात नहीं करता भाई। बगदादी बगदादी पर जो स्वरूप उनकी गेल अपनाया गया है 3 गाड़ी सिक्योरिटी की और एक पुलिस वाला ब्रेन एक पुलिस वाला ब्रेन जिस सीट पर 2 आदमी बैठने चाहिए एक पुलिस वाला ब्रेन एक ब्रेन और बीच में तूड़े की त्रिया ढूस के लेकर जाए गए हैं जो कौन सा रवैया एक एक्रीडिटेड पत्रकार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वेरीफाइड पत्रकार है उसके लिए ये कौन सा रवैया और एक यूथ आइकॉन के लिए कौन सा रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है बड़ा सवाल उठने लग रहा है फिलहाल लगातार लाइव करने लग रहे हैं हम लोग जी बिल्कुल जी संदीप भाई बोलो। मैं एक बात आप मीडिया के थ्रू कहना चाहता अगर डॉक्टर बलारा की मान लो इनके हिसाब से गलती भी है तो पत्रकार की क्या गलती थी हमारे कर्मू भाई की पूरी बात सुनो एक प्रेजेंट अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि डॉक्टर बलारा की गलती तो कर्मू भाई तो अपना पत्रकारिता का रोल निभा रहे थे। अगर डॉक्टर बलारा गलत है तो फिर ये प्रशासन भी गलत है जिन्होंने कर्मू भाई को प्रशासन बेरा है क्यूँ साची कह दी तो आंख मांगनी तो लग जाएगी साची बात को आंख मांगनी लग जाएगी दर्द तो नया ना पोल खोल दी बिल गेट्स देगी जब मैं उनका आख्या में मिर्ची पड़ ली संभाल लो नहीं तो बात अद तो ऊपर जा ली है भाई
10 मिनट में इतने भाई जुड़ गए थे उस वीडियो तक, लाखों में वीडियो गई जी भाई। लेकिन पहले तेरा भी हाथ तोड़ा था भिवानी में देखा हुआ, जो भी मीडिया वाला भाई है ना, कवरेज गरीब संसार क्रांति वाला हरियाणा भाईचारा वाला, जो भी पत्रकार थे उन्होंने आंदोलन की जो खबर दिखाई नहीं, तो उन्हें पत्रकारों का लठमान का काम करे। इबे न्योरा जो पत्रकार कोरोना पे दिखा होगा, वैक्सीन के ऊपर दिखा होगा, मास्क नहीं लाना वो दिखा होगा, तो वह उसका लठमारा है। अरे प्रशासन वाले सुन ले भाई, हम शांति से बैठे हैं, न्यूता हूँ आगे हरियाणा का मोहल्ली बिगड़ा है, अरे माँ भी लठमान लगे तो लटका जो लटते भी देना हो भाई, या ना भाई शांति शांति रखेंगे और शांति में बिल्कुल हरियाणा हरियाणा से है दबेंगे नहीं। हम लोकतंत्र का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से जो ये गलत नीतियां हैं प्रशासन की और कितने न कितने कारपोरेट घराने की सत्ताधारी पार्टी की जो मिली भगत है उसका संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करेंगे। बिल्कुल देखो तड़के भी जो है लाठी मारी, शांति तय लाठी खाई है सारे भाइयों ने, अरे भी लाठी खाते रहेंगे। अभी प्रशासन से क्या बातचीत हुई है भाई? प्रशासन तो बार बार जो है ना न्यू करके जाओ। देखो एक बात कहूँ, प्रशासन ने जब मार गए बात करनी है तो आराम से बात करो ना। जीव कर्मो भाई को डॉक्टर देवेंद्र बलारे को अर्थ लेकर जाया गया तो कौन ही बिठाई गई है, लोग आके छोड़ मारी गई है, लाठी बाजी गई है, तो ये कोई तरीका को नहीं लेके जानता पहले एक अधिकारी हमारे बीच में आया न्यू का जिंदा भाई, हम लेके जाओ मेडिकल करवाने लग रहे हैं, आराम तो सारे लग जाए, लेकिन यू तरीका इनका बहुत बहुत गलत है। एक सीन क्रिएट किया गया है जानबूझ के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है, सरकार के किसी व्यक्ति ने किसी एमएलए ने इसके ऊपर कुछ पुष्टि की अभी तक? बिल्कुल अभी तक देखो हम तो फिलहाल क्योंकि सारे साथियों के साथ यहाँ धरना स्थल पे हैं, अगर कोई ऐसी पुष्टि हुई होगी तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो किसान साथी युवा साथी है पूरे देश में तय हुए चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं, और फिलहाल जो सूत्रों वाले से जानकारी आ रही है चंडीगढ़ की जो सीमाएं हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन ने सील कर दी हैं। डर बैठ गया, खौफ बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल करने का तरीका देख लो इनका, मेडिकल जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने रात भर या कितनी देर तक जब कस्टडी में रखा है तो वो क्यों रखा है, और उस दौरान जो है आपने कहीं प्रताड़ित तो नहीं किया, कहीं चोटें तो नहीं है बॉडी के ऊपर, परंतु जब उनको मेडिकल ले जाया गया ऐसा कोई चेक नहीं किया गया, ना उनका एक्सरे किया गया ना कुछ और किया गया, वहाँ पे जो है सीधा उनको कोरोना वाली जगह पे ले जाया गया और नाक में जो है मार के जो है सिर्फ यह करने की कोशिश किया गया। तो वीडियो ना जो है गेल की गेल शेयर करते रहियो गर्मो भाई। बिल्कुल भाई एक तरह से क्या हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा है और बिल्कुल, तो फिलहाल जो है जो कोर्ट में मामला था जिसमें कर्मो भाई को लेकर जाया गया था उसकी कुछ जानकारी। सभी मीडिया के बंधु और मेरे साथी जो देवेंद्र बलारा और कर्मो भाई के सपोर्ट में यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का अभिवादन करता हूँ मैं डॉक्टर अजय बलारा। एक बार जो है हम जो आज की और कल की जो अभी तक की वो पूरी हुई है उस पे एक दो मिनट की बात मैं रखूंगा, आगे का फैसला आप सब मिलकर करेंगे कि हमने किस तरह से क्या करना है। साथियों आपको पूरी कहानी नहीं बताऊं, शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि पैंडेमिक एक्ट के उल्लंघन का मामला बनना था लेकिन एक आपराधिक मामला आईपीसी की धाराओं के तहत बनाया गया। जो बात फैलाई गई थी कल 10:30 बजे तक कि एसडीएम के ऊपर असॉल्ट हमले का प्रयास हुआ है, एसडीएम की शिकायत के अंदर कोई शिकायत नहीं मिली, ये झूठ फैला रहा था पुलिस का हमला। एक सी क्लास के कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के उससे जो है शिकायत लिखवा के आनंद भवन में रात को 10:30 बजे 3 घंटे के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, और आज अभी कोर्ट में पेश होकर आने तक मैं जो उसका वायर हूं मेरे पास एफआईआर का नंबर तक उपलब्ध नहीं है, एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं है, उसमें कौन सी धाराएं लगाई है वो हमें कोर्ट में पता लगता है, हमारे वकील को। इनका प्रयास ये था कि वकील को जो है एफआईआर की कॉपी ना मिले, वहां पर वकील वकालतनामा साइन ना कर पाए और वो 14 दिन के रिमांड पे ले ले, लेकिन हम इस रणनीति को जानते थे, हमने अपनी फील्डिंग भी लगा रखी थी और आज जो है हम उस वक्त पे पहुंच गए, वकालतनामा भी साइन हुआ है और आज जो है अपनी तरफ के वकील ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, अपने पास जो सबूत है वो बताए हैं। कल जो है जज ने जो है पॉजिटिव रुख दिखाते हुए जज साहब ने यह कहा है कि कल जो है स्टेट का रिप्लाई चाहूंगा मैं और कल बहस करेंगे। 99% चांसेस जो हमें हमारे साथियों ने बताए हैं आपकी जीत के हैं, और जीत का मैं आपको मतलब यह बता दूं कि क्रांतिकारी अगर जेल में भी रहेगा तो भी जनता की जीत है।
अभी जब वहाँ पे आपने मेडिकल के अंदर मेडिकल होते हुए जो वीडियो देखी होंगी, किस तरह से अजमल कसाब को भी नहीं लाया गया, उस तरह से हाथ पैर घसीट के उसका आरटीपीसीआर कराने की कोशिश की, वहां पे देवेंद्र भाई ने पूरी क्रांति से लड़ते उनको कहा कि अब तो सीडीसी ने भी मना कर दिया कि आरटीपीसीआर की कहीं जरूरत नहीं है, वो किसी चीज को टेस्ट नहीं करता तो मैं नहीं कराऊंगा, और वो आरटीपीसीआर 25 पुलिस वाले एक साइड और देवेंद्र बलारा एक साइड आरटीपीसीआर नहीं करवा पाए वो उसका। ये आपकी ताकत आपकी जीत है। उन्होंने कोर्ट में यह बात रखी है कि आरटीपीसीआर नहीं हुआ, जज साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं इस बात के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास दो रास्ते हैं। हम कल 7:30 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, सर्दी में हैं, भूखे हैं, टॉयलेट तक नहीं गए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी आदमी जो यहां था टॉयलेट तक नहीं गया, क्योंकि यहां पे जो इनह्यूमन कंडीशन है, यहां पे अगर वो उनकी पत्नी आ गई है हमारे देवेंद्र बलारा की, 4 घंटे तक एक महिला डीएसपी को ये कहती रही कि मुझे जो है वॉशरूम इस्तेमाल करने दीजिए, और उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने से एक महिला डीएसपी और महिला कांस्टेबल ही मना करती रही। ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं तो क्या बनता है? दूसरी चीज, जिस मास्क का मामला बनाया गया, कल रात को हमने अपने कैमरों से जो वीडियो वायरल की है, यहां पे जो आईओ था उसने मास्क नहीं पहना था, शराब के नशे में धुत था। यहां पे जो एसएचओ था उसने मास्क नहीं पहना था। जब डीएसपी आती है, डीएसपी के ड्राइवर का वीडियो हम डालते हैं, उसने मास्क नहीं पहना था। डीएसपी जब ऑन कैमरा संसार क्रांति को इंटरव्यू दे रही है, उसने मास्क नहीं पहना था, और उनके साथ इंस्पेक्टर जो खड़े थे उन्होंने मास्क नहीं पहना था, इसलिए इन्होंने उसके अंदर जब उनको पता लगा कि उनके वीडियो बन गए, मास्क का जिक्र तो उसके अंदर कर ही नहीं रखा कि रोड़ा क्या था। उन्होंने तो सीधा जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और हमला और कार्य में बाधा का आरोप लगा के अंदर कराने की साजिश की। 353 धारा इसलिए लगाई कि जमानत ना हो पाए, लेकिन आपकी ताकत को देखते हुए इन्होंने अपनी वहां पे सरेंडर मोड में पुलिस आई और कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे सामने कहा जी आप आज करा ले जाओ जमानत। ठीक है, अभी साथियों मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें आपने, देवेंद्र बलारा ने ऑलरेडी आपकी खूब सारी वीडियो बता रखी है क्या करना क्या नहीं करना। एक चीज जो मुझे वहां पे, मैंने पुलिस के सामने आवाज लगा के उससे पूछा, क्रांतिकारी क्या चाहिए? नुवरा फांसी दिलाओगे तो भी सही, बाहर निकालोगे तो भी सही। मेरे साथी जो वहां है आखिरी फैसला वो करेंगे कि उनको क्या करना है। मैं अभी मीडिया के सामने आपसे हाथ उठवा के पूछना चाहता हूं, क्या देवेंद्र बलारा को जेल में रख के आप क्रांति करना चाहते हैं, या देवेंद्र बलारा को साथ बिठा के क्रांति करना चाहते हैं? साथ बिठा के। अगर साथ बिठा के करना चाहते हैं तो आंदोलन को जारी रखेंगे, कल हर हालत में बेल कराएंगे, और उसके बाद हम एक कमेटी बना के फैसला लेंगे कि हमें बेल नहीं चाहिए, हम अपराधी नहीं है, ये मुकदमे जो दायर किए ये UKU वापस किए जाएं, और इसके ऊपर हम जो है अपना धरना जारी रखेंगे। कमेटी ये डिसाइड करेगी कि धरना जो है किस तरफ चलेगा, क्योंकि यहां अब हमारा पुलिस के साथ लेना देना नहीं रहा, अब जुडिशरी के साथ है, तो वो डिसाइड कर लिया जाएगा 3-4 आदमी मिलकर आज के लिए और आज के बाद के लिए। एक कल 2-3 बार एग्रेशन हुआ, मैं सब साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं और देवेंद्र की तरफ से अपील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1 साल 13 दिन तक जिस शांति से बैठ के हमने मोदी जैसे तानाशाह को झुकाया है, हम ये 4 पुलिसियों को भी तो शांति से बैठ के झुका सकते हैं। हम शांति से बैठेंगे, ये लत मारेंगे हम लत खाएंगे। ये देवेंद्र की अपील मैं आपसे आखिरी बात में करना चाहता हूं कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें उपद्रव नहीं करना है। ये लक्ष्मण रेखा हमारे और थाने के बीच में है, जब तक हम यहां हैं हम लक्ष्मण रेखा को लांघ के उधर नहीं जाएंगे, और उनसे भी उम्मीद करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वो भी लक्ष्मण रेखा को हद को पार करके इधर ना आए। तो दोनों तरफ से अगर लक्ष्मण रेखा निभेगी तो हम जो है शांतिपूर्वक धरना चलाएंगे। आज का धरना यही रहेगा, पुलिस कुछ भी कर ले, हम पुलिस को चेतावनी और रिक्वेस्ट दोनों दे रहे हैं, सुने पुलिस वाले साथी, आज का धरना तो रहेगा यही, और जब हमारा साथी हमारे बीच में होगा तो हम आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे कि धरना कहां चलेगा, किस रूप में चलेगा। लेकिन आज रात हमारे सारे क्रांतिकारी साथी जो है रुकेंगे, हम यही रुकेंगे, हम भले ही भजन गाएं, भले ही नारे लगाएं, लेकिन हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे। इंकलाब, 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 इंकल
आपने सही सवाल पूछा है, मैंने इतना ही सुना है कि पुलिस को किस प्रकार देखते हैं, तो आज के माहौल में पुलिस को वर्दी के अंदर लिपटे हुए गुंडों की तरह से देखता हूं, जिनके यहां सामने मीडिया की कवरेज का भी अक्कर के लाए बोर्ड लगा है स्टेट लीगल अथॉरिटीज का, जिसके ऊपर चौथे पॉइंट पे लिखा है कि सीपीसी की 50A के अंदर किसी को पकड़ते ही उसके घरवालों को फोन करके इन्फॉर्म करना होता है, ताकि वो कहीं कहीं ढूंढते ना फिरे कि आपका आदमी इस थाने में इस केस के अंदर यहाँ बंद है। लेकिन हमने कल ऑन रिकॉर्ड इनको दर्ज कराया है कि हमें वो कॉल डिटेल बताई जाए कि आपने किसको इन्फॉर्म किया। झूठ बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है जो विनी है, उन दो के अलावा किसी को इन्फॉर्म करना नहीं बनता ब्लड रिलेटिव के अलावा, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। पांचवे पॉइंट में लिखा है सीपीसी की धारा 54 में कि पकड़ते ही तुरंत एज सून एज पॉसिबल मेडिकल कराया जाना चाहिए। वो किस लिए होता है कि आप हड्डियां तोड़े अंदर और उसके बाद उसके मुंह में दारू की बोतल घुसेड़ते हैं और फिर आप मेडिकल कराने ले जाएंगे कि देखिए नशेड़ी था इसने ये किया है। हमने इसका खूब विरोध किया इसलिए वो दारू पिला नहीं पाए, लेकिन प्लान इनकी थी। अच्छी तरह से पीटा गया आपके साथी को, इसका हम बदला तो लेंगे, लेकिन हम अपनी शांति से हम ठंडे लोहे से गर्म लोहे को काटेंगे, हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हम मांग करेंगे एसएचओ को, मांग करेंगे आईओ को, जो कि नशे में थे। हमने बार बार वो क्लिप वीडियो की सारी वायरल हो रही है, हमने बार बार कहा इस आदमी का मेडिकल चेकअप अभी के अभी कराइए। एक जज साहब आए थे जो दोस्त थे हमारे, उन्होंने वहीं पे कहा, डीएसपी यहां से उस टाइम चली गई कुछ भी बिना कहे कि सर मैं तो पेट्रोल ड्यूटी पर आई थी, मेरी तो यहां ड्यूटी नहीं है, जो दो घंटे से हमसे बहस कर रही थी। उसके बाद जब सुबह वकील पहुंचते हैं 4 बजे और आईओ को बुलाते हैं, तो आईओ का उस टाइम भी जो शाम को उन्होंने खांसी की दवा ली थी उसमें हिलते डुलते आए थे, और ठीक है हिलते डुलते हैं, और उन्होंने आखिर में क्या कहा, आपको वो कॉपी एफआईआर की तो मिले सो मिले, ये कहा सुबह आना सुबह देख लूंगा तुम्हें, ये वकील के सामने कहा है, तो ये देख लेंगे। एक और को तानाशाह को यह मुगालता हो गया था कि हम देख लेंगे, उनको किसानों ने देख लिया, उनको अच्छे से देख लिया, इनको भी देख लेंगे। तो रिक्वेस्ट ये शांति बनाए रखें, अभी हम बैठ के एक उसका कमेटी का चुनाव करेंगे आप सभी में से, वो कमेटी मंत्रणा करके फिर आगे की रणनीति बनाएगी। आज के लिए हम सभी यही हैं, खाने का प्रबंध बाकी प्रबंध सारे कर देंगे। जी मैं पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी फ्रेटर्निटी पर डायरेक्ट हमला हुआ है, हालांकि ये हमला आज से नहीं 2011 से जब 52 चैनल जो है पूंजीपति के हाथ बिक गए थे तब से शुरू हुआ था, लेकिन आज क्या हुआ है कि आज उन पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है जिनको अपनी आईटी सेल के प्रयोग से बीजेपी यूज करके सत्ता में आई थी, आज उन्हीं के चैनल को इलीगल करार देते हैं, उन लोगों को डिटेन और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये पहला हमला नहीं है, मनदीप पुनिया का नाम आप भूले नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे, ये भाई लवकुश है इसका नाम भूले नहीं होंगे, किस तरह धुनाई की थी पुलिस ने। तो ये चुन चुन के हमले कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसान आंदोलन की कवरेज की ये चुन चुन के उन लोगों को पकड़ रहे हैं, हमारे जैसे जो मोटिवेट करते रहे लोगों को। ये आश्चर्य की बात नहीं, कल हमने ये भी दर्ज कराई कि मुझे भी 2 दिन के बाद आप लॉकअप में पकड़ लोगे, ये चुन के टारगेट करके पकड़ रहे हैं। अब आपको जो है सतर्क रहना है, और एक चीज जरूर करनी है, हम कई जगह अलग अलग लड़ रहे हैं, हमें एक भी आवाज के ऊपर सबको इकट्ठा होना होगा, और ये आज नहीं 2030 तक ये लड़ाई इसी तरह चलानी पड़ेगी, तो हमारी नस्लें बचेंगी, तो हमारी फसलें बचेंगी, अन्यथा हम सब एक एक करके अलग अलग मारे जाएंगे। मेरा यही संदेश है, मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, बहुत जोर से गूंजना चाहिए, इंकलाब इंकलाब, दिवेंद्र भाई आगे बढ़ो, कर्मू भाई आगे बढ़ो, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि आड़े जो हम तस्वीर देखने लग रहे हैं जमाए कुछ अलग डाल की हैं, और वाक्य में जो हमारे जो दो क्रांतिकारी साथी हैं देसी पत्रकार कर्मू और डॉक्टर देवेंद्र बलारा,
इनने दोनों ने मिलकर क्रांति की एक ज्वाला फूंक दी है और वह ताकत हमारी जिब काम आओगी। जिब आपने जो निर्देश जो बनाए हैं और जो कमेटी का गठन कराया जाओगा उसके दायरे में रह के हम जो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो यह लड़ाई हम जीत करवाएंगे। और यह सबसे बड़ी गजब की बात है कि सरेंडर करना पड़ा, बहुत बड़ी बात है। कित तो हमने FIR तक नहीं मिल रही थी और कित जो है कोर्ट में जाकर थाना 39D जिनने की सरेंडर करना पड़ा कोर्ट में जाकर और कोविड का कोई मामला दर्ज नहीं करवा पाए, तो या अपनी संसार क्रांति की या अपनी मीडिया पावर की, जितने भी पत्रकार साथी हैं चाहे दीपांशु भाई है चाहे लवकुश भाई है या और भी जितने ग्राउंड मीडिया है जितने भी और चैनल के और मेरे साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, मैंने कहूँ यह अपनी सबकी जीत है, सबकी अपनी जीत है। लेकिन भाई भी कुछ ही से यूट्यूबर है, कुछ ही से पत्रकार है जो जो करता बाहर नहीं जाए और तक काम करने लग रहे हैं। मैंने कहूँ पॉजिटिव को देखो, एक गिलास कितना खाली है कितना भरा है उसने भरे ने देखो, उसके कोई मजबूरी हो उसके उनके घर में कोई दिक्कत हो रही हो या चीज दिल पर नहीं लेनी चाहिए, वो होड़े बैठ कर काम कर रहे हैं। क्योंकि दीपांशु भाई के मैंने देखे थे हिंदुस्तानी भाई के ये राम चलते चलते भी उचाटी लगी रही, राम लाइव भाई अजय भाई है लाइव आया तू भी भाई पहुंचा कौन था जब तक लाइव आने लग रहा था। तो ये बहुत सारे साथियों की सभी साथियों की जीत है। जिंदाबाद इनकलाब, जय जवान जय जवान। तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई थको शेयर, मैं तेरा देसी पत्रकार धर्म हूँ। जय जवान जय किसान।